Hello students, I hope you all are doing good. So today we are going to learn about multiplication tables made easy. Yes, you heard that right. आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे multiplication tables को बिना याद किए हम लोग आसानी से याद कर सके. समझे बच्चों? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हाउ डू वी लर्न अ मल्टीप्लिकेशन टेबल? साधारण तौर पे हम लोग क्या करते हैं, टू वन्स आर टू, टू टूज आर फोर, टू थ्रीज आर सिक्स, ऐसे याद करते हैं. ठीक है, तो आज मैं एक टेक्निक बताने वाली हूँ जो बिल्कुल ही इजी है, जिसकी मदद से आप ये याद करने की टेक्निक को भूल जाओगे. तो हमें क्या करना है, सिंपल सी टेक्निक है बस. अब जैसे कि मान लीजिए ये टूज का ही टेबल में लेती हूँ, टू वन्स आर टू. तो इसे मेमोराइज करने के बजाय हम क्या करें, जस्ट जो मल्टीप्लायर है उसे ऐड कर दीजिए. जैसे कि पहले टू वन्स आर टू, उसके बाद टू को फिर से दोबारा से ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये टू का टेबल है. तो अभी टू के साथ टू को ऐड कर देने से कितना हो जाता है, फोर. उसके बाद फिर टू थ्रीज आर, अभी इस फोर के साथ दोबारा से टू को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाता है, सिक्स. फिर से टू फोर आर, अभी फिर से इस सिक्स के साथ दोबारा से टू को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाता है, एट. इस तरह से हम टू टू ऐड करके एट के साथ टू ऐड कर दीजिए तो हमें मिल जाते हैं टेन. इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरी मल्टीप्लिकेशन टेबल को ख़त्म कर सकते हैं. आप लोग देखिए, हर एक मल्टीपल के साथ टू टू ऐड कर देने के बाद हमें अपना आंसर मिल गया. तो विदाउट मेमोराइजेशन हम इस तरह से टेबल याद कर सकते हैं. सेम केस अगर हम लोग थ्री का टेबल भी लेते हैं, तो अब जैसे कि थ्री वन्स आर थ्री हम पकड़ लेते हैं. अभी देखिए थ्री टूज आर, अब जैसे कि ये थ्री का टेबल है तो हमें हर नंबर पे या हर प्रोडक्ट पे जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है आंसर आता है, उसे प्रोडक्ट बोलते हैं. तो हर प्रोडक्ट के साथ हम थ्री ऐड करेंगे. तो थ्री टूज आर, इसका साथ ऐड कर देंगे, कितना, थ्री. थ्री प्लस थ्री इज सिक्स. ओके, अगेन थ्री थ्री आर, अगेन वी हैव टू ऐड थ्री, विल गेट हाउ मच, सिक्स प्लस थ्री इज नाइन. दिस वे वी कैन कंटिन्यू, इस तरह से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं. फिर से थ्री इंटू फोर, फिर से हमें ऐड करना होगा थ्री,
कितना हो गया, 9 के साथ 3 ऐड करें तो कितना होता है 12, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 5 जा, और फिर से 12 के साथ हम 3 ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाता है 15, 12 के साथ 3। तो इस तरह से हम अपना टेबल सॉल्व कर सकते हैं, से 3 ऐड कर लेंगे। वेटिंग के साथ फिर से 3 ऐड कर लेंगे। उसके बाद के साथ फिर से 3 ऐड कर ले तो उसके बाद 9 के साथ फिर से 24 के साथ 3 ऐड कर ले। उसके बाद फिर से 3 ऐड कर ले तो क्या हो गया 30। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 टेबल ही बताए हैं, लेकिन इस तरह से इस टेक्निक के ज़रिए आप लोग कोई भी नंबर का टेबल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस एक सिंपल चीज़ क्या करनी है, जो मल्टीप्लायर है टेबल का, जो मल्टीप्लायर है उसे क्या करना है, उसे ऐड करना है किसके साथ, प्रीवियस वाले प्रोडक्ट के साथ। समझ में आया आप लोगों को? तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो काइंडली लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और ऐसे एडुकेशनल वीडियोस आगे बनाती रहूँ। थैंक यू।